भाई का सवाल है कि वॉचर ने व्हाट इफ में गमोरा को ही क्यों चुना जबकि वहाँ पर टोनी भी था। क्या गमोरा ज्यादा पावरफुल है टोनी से? तो चलो इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो टोनी था उसी ने अल्ट्रॉन को बनाया था और इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन प्रोग्राम सक्सेसफुली बन गया था। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि वॉचर ने सिर्फ उन्हें चूज किया जो फिजिकली ज्यादा पावरफुल है। अब अगर वॉचर टोनी को लेकर जाता तो अल्ट्रॉन टोनी के सूट्स को उतार के एक सेकंड में धूल बना देता क्योंकि टोनी अपने सूट्स पर ही निर्भर रहता है। आई होप कि आपको आंसर मिल चुका। अगर आपका भी अभी भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, अगली वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे।